नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि थावे में 2 शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया गया है, ये अपडेट देंगे। साथ में आपको ये भी देंगे कि फर्जी डिग्री पर नियोजित शिक्षक गिरफ्तार, इसका भी अपडेट देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पे देख लीजिए, ये खबर हथुआ का है। हथुआ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया गाँव में पिछले 9 वर्ष से टीटी की फर्जी डिग्री पर पढ़ा रहे एक शिक्षक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको भी पता है कि बिहार में फर्जीवाड़ा किस हद तक चला है। अभी भी ठीक से इसे खंगाला जाए तो बहुत सारे शिक्षक फर्जी निकल सकते हैं। शिक्षक सिवान जिले के दौरदा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का अतरुंजय कुमार कुशवाहा बताया गया है। प्राथमिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के इंस्पेक्टर सह शिक्षक जांच प्रभारी आसिफ इकबाल मेहंदी ने दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि उक्त शिक्षक ने टीईटी के अंक प्रमाण पत्र में अंक बढ़ाकर फर्जी तरीके से वर्ष 2013 में वर्ग 5 के लिए नियोजन करा लिया गया था। वर्ष 2011 के टीईटी के परीक्षा में आरोपी शिक्षक का कुल प्रतांक अंक 57 था, जबकि फर्जी तरीके से शिक्षक ने 105 अंक बढ़ा लिया था। पुलिस ने गिरफ्तार शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो एक अपडेट यहां का दिए, दूसरा अपडेट यहां पर देख सकते हैं, ये थावे का है। स्थानीय प्रखंड की 2 पंचायत के नियोजन इकाई ने 2 शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया। बताया जाता है कि प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सदाशिव राव के टोला की शिक्षिका गायत्री देवी और नव सृजित प्राथमिक मकतब बेदू टोला के शिक्षक सुरैन को सेवामुक्त करने के लिए पंचायत नियोजन इकाई वृंदावन और जगमलवा को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने आदेश दिया है। इसमें यानी कि एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों को नियोजन रद्द कर दिया गया है। दोनों का इस बार ही नियोजन हुआ था 6ठे चरण में। अब तक वेतन के रूप में ली गई राशि को भी वसूलने का आदेश दिया गया है। तो ये आपको हार्दिक नया नया खबर देखने को मिलता है कि आज वहाँ फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं, कल वहाँ पकड़ाए हैं। आज हमने 2 प्रखंडों का अपडेट दिया, आगे भी कुछ अपडेट आएगा तो उसका भी अपडेट से हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।